हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज मैं आप लोग के लिए एक लेकर आई हूँ लैंग्वेज की सीरीज़, जो कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग ने दिवाली वगैरह मना ली है, अच्छे से खुशी हुई, सब लोग बांट लिए, मिठाई वगैरह खा चुकी है। अब जो है वो पढ़ने का टाइम आ गया है। अब आपका जो अभी 2 महीने में आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो बेटर होगा कि अब इन सब चीज़ों को छोड़ के थोड़ा सा पीछे और अब फोकस कर लो अपनी पढ़ाई पर। तो अच्छी बात है, आप लोगों ने दिवाली मना ली है। अब आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की सीरीज़, जो कि स्टार्टिंग से लेके मैं एंड तक जितने भी चैप्टर्स हैं आपके एकेडमिक्स में, मैं सब कुछ उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। और आई एम गोना मेक श्योर कि मेरी सेशन से, मेरी क्लासेस से आपकी सारी चीज़ें जो है, जितना भी लैंग्वेज को लेकर डर है ना, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक, अब देखो, स्टार्ट करने के पहले डायरेक्टली पॉइंट पर नहीं आ जाऊँगी, क्योंकि वो मेरा, दैट्स नॉट माई पर्सनैलिटी। तो अगर मैं अपनी पर्सनालिटी वाइज जाऊँ, तो पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या रिलेवेंस है इंग्लिश लैंग्वेज की हमारे करिकुलम में, इंग्लिश लैंग्वेज पे इतना फोकस क्यों दिया जाता है। देखो, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग से ही बता के रखा है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप लोगों ने इन दोनों को बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लिया ना कि चलो ठीक है यार, मैथ्स, साइंस, कॉमर्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इन सब पे फोकस करते हैं, इंग्लिश में तो हम लोग क्या कहते हैं, अपने एग्जाम के एक दिन पहले भी समरी देख के पढ़ लेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो लेट मी गिव यू अ स्पॉइलर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश की रेलेवेंस नहीं समझाऊंगी, बट मैं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी एज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा बताने वाली हूँ। देखो, आपको पता है स्कोरिंग सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ ईजिली आप अवेल कर सको, ठीक है, कि जहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब आपको यहाँ पे कम मेहनत में, आप डेली बेसिस पे ही अगर इसको प्रैक्टिस में लेकर आते हो, तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठती जाएगी। मैंने आपको देखो स्टार्टिंग से बताया है कि हमारी जो मैथ्स सब्जेक्ट है, आपके पास एक सब्जेक्ट है मैथ्स, वो एक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग से ये चीज़ बता के रखी है, हर बार मैं चीज़ बोलती हूँ कि मैथ्स इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही होता है। मैथ्स में भी आपको ढेर सारे देखो फॉर्मूलाज मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग फार्मूला मिलते हैं, अलग अलग रूल्स मिलते हैं, ठीक। और मैथ्स एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस से ही कुछ काम बनने वाला है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं, तो फिर मैथ्स आपसे नहीं बन सकती है कभी भी, ठीक। लाइफ में आप कभी मैथ्स में महारत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। तो जैसे मैथ्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, वैसे ही इंग्लिश इज ऑल्सो अबाउट, सिर्फ प्रैक्टिस की बात होती है, उसके अलावा आपको कुछ भी काम यहाँ पे नहीं करना है। हाँ, बट एक चीज़ है कि देखो, यहाँ से आपको फ़ायदे क्या क्या मिलने वाले हैं। इंग्लिश नॉर्मली, जैसे आप हिंदी बोलते हो, आप हिंदी कितने कैजुअली, कितने आराम से बोल लेते हो, वहाँ पे आपको नहीं देखना पड़ता है कि आप ग्रामेटिकली कितना एरर कर रहे हो, ग्रामर वाइज कितना सही हो, क्योंकि आपको पता है वो आपने स्टार्टिंग से बोली है। आप लोग ने कभी ये चीज़ सोची कि आप लोग हिंदी अच्छी क्यों बोल लेते हो और इंग्लिश अच्छी क्यों नहीं बोल पाते हो? इंग्लिश के लिए आपको स्पेसिफिकली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना पड़ता है, और आप बुक्स लेते हो, ये सारी चीज़ें अलग अलग पूरा जतन लगा देते हो इंग्लिश सीखने में, ठीक है। तो आप कंपेरेटिवली हिंदी अच्छी क्यों बोलते हो, इंग्लिश अच्छी क्यों बोलते हो? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप बचपन से बोलते आ रहे हो। आप जब छोटे थे, छोटे से जब बड़े हुए, तो आपने अपने सराउंडिंग में हिंदी सुनी, ठीक, बेटा मम्मी बोलो मम्मी, पापा बोलो पापा, कुछ भी होता है घर में सब लोग हिंदी में बात करते हो, कैजुअल लेवल पे आप लोग हिंदी में बात करते हो, तो आपको ग्रामर सीखने की ज़रूरत पड़ी नहीं। हिंदी के पर्सपेक्टिव अगर मैं बताऊँ, तो देखो अभी आप लोग, अगर जितने लोग 9th to 12th की मैं अगर बात बताती हूँ, ठीक, 9th to 12th आप लोग ने देखो अभी हिंदी लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस नहीं देते हो। अब आप लोग ये पढ़ते हो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सब अब नहीं पढ़ोगे, ये सब आप लोग ने बचपन में पढ़ी है। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, अब मैंने आपको बताया था ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें आप लोग अभी भी पढ़ रहे हो। तो ऐसी क्या रीज़न है कि हिंदी लैंग्वेज आप लोग को बड़े होने के बाद नहीं पढ़ाई जाती है, बट इंग्लिश लैंग्वेज 12th तक पढ़ाई जाती है? इसका एक पर्टिकुलर सिंपल सी चीज़ है कि हिंदी आप लोग बचपन से बोलते आ रहे हो, तो वो एक प्रैक्टिस में आपके डेवलप हो चुका है, तो वो आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी नहीं कभी। अभी मैं आपको बैठ के बताऊं, बेटा संज्ञा होता है, सर्वनाम क्या होता है, तो आप बोलोगे मैम फर्जी का टाइम मत वेस्ट करिए, हम लोग को ये सब चीज़ें पता है, हम लोग बोल लेते हैं हिंदी अच्छी खासी बोल लेते हैं, बट इंग्लिश आप लोग सीखते हो, आप लोग अलग अलग रूल्स देखते हो, तो खैर मैं रूल्स पर बिलीव नहीं करती हूँ। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं टूटी फूट इंग्लिश पर बिलीव करती हूँ, इट्स लाइक कि अगर आपको इंग्लिश सीखने वाली बात है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे सबसे अच्छी चीज़ आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप रूल्स के बेसिस पे बैठ के, आपने देखा होगा डायरेक्ट, जैसे स्पीच में चले जाओ, डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच होती है, ठीक है, फिर पार्ट्स ऑफ, जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती हूँ मैं, ट्रांसलेशन की बात करती हूँ, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ये सारी इतनी सारी जो टॉपिक्स हैं, सब में 50 रूल्स लगे हुए हैं, बट मैं यहाँ पे आपको कोई भी रूल्स
से नहीं पढ़ाने वाली हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे, प्रैक्टिकल चीज़ों पे आप लोग को देखना है। और ये पढ़ते वक्त ये जो मैंने सीरीज अभी स्टार्ट करी है, इसको आगे जब तक आप अगले सेशंस भी अटेंड करोगे तो इस चीज़ का आपको मेक श्योर करना है कि आपको प्रैक्टिकल पढ़ाई करनी है। मतलब जो चीज़ें जैसे मैंने आपको बोला, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अभी हम लोग, ठीक। मैंने बोला माय नेम इज सौम्या मिश्रा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा क्या है ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही है, तो आप कहोगे हाँ मैम बिल्कुल सही है। आपको कैसे पता सही है, आप इस चीज़ को कैसे डिसाइड, कैसे जज कर पा रहे हो कि ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है वो सही है और गलत क्यों नहीं है? तो आप लोग बोलोगे कि मैम नॉर्मली माई नेम इज सौम्या मिश्रा लिखा है, तो मतलब ये ऐसा ही बनता है, हम लोग हमेशा से बोलते भी आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग की प्रैक्टिस में ही है। अगर कोई आपसे पूछे बेटा व्हाट इज योर नेम, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज योर नेम, अब बताओ ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? क्योंकि चीज़ आप लोग को ऑलरेडी आती है। तो सबसे पहली एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कि इंग्लिश का जो फोबिया है वो प्लीज़ अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि अब आपकी जो इंग्लिश बोलने की जो फ्लुएंसी है, जो भी अंडर कॉन्फिडेंस है ना, वो सब अभी ख़त्म होने वाला है। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो आपको पता होनी चाहिए कि आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। देखो अगर मैं बात करूँ कि अगर आप अपनी क्लास में बोलने से डरते हो कि मैम हमें मैं जब भी क्लास करने आता हूँ या फिर आती हूँ और फिर जब देखती हूँ कि इतने सारे लोग मुझे खड़े होकर देख रहे हैं, तो इंसान नर्वस हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, कोई अपने आप को डिमीन करने वाली बात नहीं है। बट द पॉइंट इज कि आप ये समझो कि आपके सामने जितने भी बच्चे बैठे हैं वो सब आपके लेवल के ही हैं, और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, दैट्स नॉट गोना डिसाइड योर फ्यूचर। वो आप नहीं डिसाइड करेगा कि आप आगे जाके क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये आपके कैलिबर पर डिपेंड होता है। ठीक, तो अभी जो लैंग्वेज की मैंने सीरीज अभी जो स्टार्ट करी है, वो मैं स्टार्टिंग से लेके जो आपका पैटर्न वाइज अगर मैं बात करूँ, तो जैसे आपका पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, रीडिंग सेक्शन होता है, फिर राइटिंग सेक्शन होता है, देन कम्स ग्रामर पोर्शन। तो बस मैं वैसे ही सीक्वेंस में चलने वाली हूँ, पहले मैं रीडिंग सेक्शन कंप्लीट करवाऊंगी, उसके बाद हम लोग राइटिंग सेक्शन पे आएंगे, और देन आई कम टू द ग्रामर सेक्शन। तो हम लोग स्टार्टिंग से करते हुए चलते हैं, और यहाँ पे मैं आपको टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते उसका एग्जाम में मार्क्स का जो वेटेज होता है और कैसे सॉल्व करना है आपको आंसर शीट, जब आप एग्जाम में बैठोगे आंसर लिख रहे होगे तो कैसे आंसर लिखना है, कितना बड़ा आंसर लिखना है, कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्प्रिहेंशन कैसे पढ़ना है, कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोग को साइमल्टेनियसली बताते हुए चलूँगी। तो अब हम लोग बिना किसी देरी के अपना ये आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला चैप्टर जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब देखो अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ तो वो आप लोग आई गेस सिक्स क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिए होगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है क्लास सिक्स से आप लोग को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। अब क्लास सिक्स में क्या होता था कि आपको अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ तो फिर आपको चीज़ रियलाइजेशन होगी कि आपको एक टॉपिक दिया जाता था, टाइटल दे दिया, मान लो कि मैंने टाइटल दे दिया दशहरा का, ठीक है, अच्छा चलो दिवाली लेते हैं, अभी आप लोग दिवाली मना के आए हो तो दिवाली का ही ले लेते हैं। एक टॉपिक लिया दिवाली का, अब दिवाली के बारे में एक पैराग्राफ लिखा रहेगा, एक पैसेज दिया रहेगा, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग को दिए रहते हैं। क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में भी हो सकते हैं, इट मींस इट कैन बी ऑब्जेक्टिव एंड इट कैन बी सब्जेक्टिव आल्सो, ठीक है, इट गोज विद बोथ ऑफ द एस्पेक्ट। तो ये मैंने आप लोग को बताया कि एक पैटर्न कैसा होता है पैसेज का, बट यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने वाली क्या बात है कि कैसे लेवल चेंज होते हैं, क्वेश्चन के लेवल कैसे चेंज। जैसे आपको सिक्स सेवन्थ एट्थ में आपको देखना, आपने देखा होगा टाइटल दिया रहता है, अब 9th 12th में जब आप देखोगे तो आपको पैसेज का टाइटल नहीं दिया रहेगा, डायरेक्टली पैसेज स्टार्ट कर देगा और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। प्लस मैं यहाँ पे बात ये भी करूँगी कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक कॉम्प्रिहेंशन से। अब ये ऐसा तो है नहीं कि मैंने मान लो कि पैसेज में बहुत सारी लाइन, मान लो अगर 8-10 लाइन का भी पैसेज है तो कहीं से भी कुछ भी नहीं उठा के दे देंगे। उसमें भी एक पैटर्न आप लोग अगर नोटिस करके चलो, एक क्राइटेरिया होता है, एक एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके बेसिस पे ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अगर दिवाली के बारे में दिया होगा तो वहाँ पे आपसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिवाली अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये ऐसी चीज़ें नहीं पूछता है, ठीक। मैं आपको वहाँ पे बताऊंगी कि कैसे बड़े क्लासेस में, जैसे जैसे आप हायर क्लासेस की तरफ जाओगे वैसे वैसे लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसे चेंज होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
ठीक। अब देखो अगर मैं पैसेज की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम जब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो यूजुअली सबका ये एक क्या कहते हैं कि एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है एक अपना कि मैम लैंग्वेज पोर्शन बहुत टफ होता है, लैंग्वेज पोर्शन टफ है। लिटरेचर में तो क्या है, हम लोग स्टोरी पढ़ लेते हैं, समरी दिमाग में बैठी है और फिर उसी के बेसिस पे हम लोग आंसर दे देते हैं। बट मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, मैंने पहले के सेशंस में भी इस चीज़ को डिस्कस किया है और आज मैं भी वही दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको इंग्लिश एक्चुअली में अगर आपको जेन्युइनली इंग्लिश आती होगी ना तो आपको अपने आप लैंग्वेज पोर्शन अच्छा लगने लगेगा, अपने आप अच्छा लगने लगेगा और ईजी लगने लगेगा। अगर आप समझ लो कि मैं आप लोग को एक टिप देती हूँ कि जैसे आप समझ जाओ कि आपकी इंग्लिश कितनी सही है, कितनी मतलब किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो इंग्लिश के रिगार्डिंग, वो आप लोग को अभी पता चल जाएगा। अगर आपको लिटरेचर और लैंग्वेज में ज़्यादा ईजी लैंग्वेज लग रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप कहीं ना कहीं उस लेवल पर पहुँच गए कि हाँ आप फ्लुएंटली या फिर कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलने लायक बन गए हो किसी भी इंसान किसी ग्रुप ऑफ पीपल के सामने, ठीक है। सोशल लेवल पे आप लोग आराम से इंग्लिश बोल सकते हैं। बट अगर ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल चीज़ों जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है बच्चों में भी मैं उसके बेसिस पे आप लोग को बताने चाह रही हूँ। और अगर आप लोग को लग रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में लिटरेचर ज़्यादा ईजी होता है लैंग्वेज बहुत टफ होता है, इसका मतलब है कि आप लोगों ने अभी तक लैंग्वेज ठीक से पढ़ा ही नहीं है और आप लोगों को अभी लैंग्वेज की ना रिलेवेंस के बारे में कुछ पता है, ना उसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में पता है, ना उसको कैसे यूज़ करा जाता है ये भी आप लोग को नहीं पता है। इसका मतलब है कि आपने कभी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करी ही नहीं है थरली अच्छे से। वैसे एग्जाम के परस्पेक्टिव से रट रट के चीज़ें लिख लेना डिफरेंट सिनेरियो होता है। बट अगर मैं अभी आपसे पूछूं बहुत ही कॉमन लेवल पर अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा बहुत सारे आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, एडवर्ब पढ़ा है, एडजेक्टिव पढ़ा है, नाउन पढ़ा है, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ा है आप लोगों ने, ऐसे पढ़ा है, रिपोर्ट राइटिंग पढ़ी होगी, मैसेज राइटिंग पढ़ा होगा, फिगर ऑफ स्पीच बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर मैं आपसे हर एक टॉपिक की स्पेसिफिक मीनिंग या फिर डेफिनेशन पूछ लूँ तो कोई नहीं बता पाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा व्हाट इज टेंस, तो हिंदी में आपको ट्रांसलेशन कर दोगे, आपको उसके पार्ट्स पता है कि टेंस तीन तरीके के होते हैं, उसमें भी चार तरीके के होते हैं, वो सब आप लोग को सब कुछ अच्छे से नॉलेज है। लेकिन आप लोग को स्पेसिफिकली ये नहीं पता है कि टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, टेंस की मीनिंग क्या होती है, ऐसे की मीनिंग क्या होती है, लेटर की मीनिंग क्या होती है, एप्लीकेशन की मीनिंग क्या होती है। तो इसे कहते हैं जब आपको लैंग्वेज के बारे में थरली नॉलेज होगी, तो वो अभी मेरे थ्रू आप लोग को मिलने वाली है। तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैं यहाँ पे टॉपिक के कंटेंट पे फोकस नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करूँगी। हम लोग ये बात करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, उसमें कौन से पैसेज होते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो सब बहुत बात की बात है। अगर मैं स्पेसिफिकली पैसेज की बात करूँ तो सबसे पहले दिमाग में रखना कि आपको एक अननोन पैसेज जिसके बारे में हो सकता है आपने पहले कभी सुना हो और हो सकता है पहले कभी ना सुना हो। तो पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, पैसेज क्या होता है। तो मेनली तो पैसेज दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डिस्क्लूसिव और एक होते हैं फैक्चुअल पैसेज। अब ये सब आप लोगों ने होता है ना कि बस नाम सुना है, बट कभी मैक्सिमम जगह पे ऐसा होता है कि मतलब इतना डिटेल में कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ाया जाता है। बस टीचर्स क्या होता है बोल देती हैं कि बेटा ये पैसेज आ रहा है, इसमें करना ही क्या है कि आपको पैसेज तो वैसे भी अननोन है तो पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, कि हमें नहीं पता ना कि आगे आने क्या वाला है, तो उसके भी प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी अपने आप ही देने वाली है मैम। तो बस यही सब है जो आपके एक ड्रॉबैक कह सकते हो है आप लोग के अंदर, कि अगर जितने बच्चों के मन में ये चीज़ आती है ना कि वैसे भी अननोन ही आने वाला है, जब आएगा तो हम लोग पढ़ के आंसर दे लेंगे, तो ये तभी तक आप लोग के लिए सही रहेगा जब आप लोगों ने उसकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखी हो, तब आप लोग के दिमाग में ये थॉट आ रहा है तो सही है। लेकिन अगर आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करी है, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में आके बात बोल रहे हो, तो फिर आप गलत जगह जा रहे हो। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि पैसेज कितने तरीके के होते हैं। तो दो तरीके के पैसेज मेनली होते हैं, पहले होते हैं डिस्क्लूसिव और दूसरे होते हैं फैक्चुअल। देखो डिस्क्लूसिव जैसे कि एक वर्ड से निकल के आ रहा है डिस्क्राइब से, ठीक। डिस्क्लूसिव किससे निकल के आ रहा है, डिस्क्राइब से, और फैक्चुअल किससे निकल के आ रहा है, फैक्ट से। तो इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि दो तरीके के पैसेजेस होते हैं, एक पैसेज जिसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात होती है, जिसमें हम लोग स्टैट्स मतलब स्टैटिस्टिक्स को शेयर करते हैं, ठीक है, डाटा बताते हैं, ठीक। जैसे कि अगर मैंने मान लो बात की पॉपुलेशन के बारे में, तो अगर कोई पैसेज में पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा होगी। जैसे मान लो पर्टिकुलरली इतने साल में पॉपुलेशन इतनी थी,
फिर डाटा बढ़ के इतना हो गया, तो कैसे कैसे पॉपुलेशन कम हो रही है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात होंगी। तो ये सब फैक्ट्स हैं जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते हो। डिस्क्लूसिव का मतलब ये होता है जब आप पर्टिकुलरली किसी भी एक टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब करके बता रहे होते हो। जैसे कि मैंने मान लो बात की टाइम की, मैंने बात की किसी फेस्टिवल की, तो इन सब चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो टाइम, अगर मैं टाइम के अकॉर्डिंग बात करूँ तो टाइम की जो इम्पोर्टेंस है, जो रेलेवेंस है, जो मीनिंग है, जो मैं समझती हूँ कि समय क्या होता है, वो मेरे अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, आपका अलग परसेप्शन हो सकता है, किसी और का अलग परसेप्शन हो सकता है। तो वो अलग अलग इंसान के थ्रू अलग अलग डिस्क्रिप्टिव वे में जा रहा है, तो इसे हम लोग डिस्क्लूसिव पैसेज कहेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि जहाँ पे स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स दिखाई जा रहे हैं, पर्टिकुलरली डाटा शो हो रहा है, तो उसकी हम लोग क्या बात करेंगे, वो फैक्चुअल हो जाएंगे। अब इसको पहचानोगे कैसे, सिंपल सी बात है, आपको अपने आप पैसेज में देख के पता चल जाएगा कि अगर वहाँ पे डाटा गिवन है किसी भी तरीके का, तो समझ जाना कि वो कौन सा है फैक्चुअल पैसेज है। और अगर आपको डाटा नहीं दिया है, पर्टिकुलरली किसी भी एक टॉपिक पे, एक टॉपिक को डिस्क्राइब करके लिख दिया गया है, तो उसका मतलब वो डिस्क्लूसिव पैसेज है। सबसे पहले तो ये दिमाग में रखो कि पैसेज दो तरीके के होते हैं, डिस्क्लूसिव और फैक्चुअल। अब मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने पैसेज को समझ लिया कि फैक्चुअल है कि डिस्क्लूसिव है, तो एक आपका प्लस पॉइंट बनेगा कि फैक्चुअल में जितने भी फैक्ट्स वहाँ पे गिवन रहेंगे, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर हाईलाइट कर लेना। उसके बाद जब क्वेश्चन पे आओगे ना तुम लोग, तो क्वेश्चन पे अपने आप जब पढ़ोगे तो अपने आप वो चीज क्लियर माइंड में आ जाएगी, स्ट्राइक करेगी कि हाँ ये मैंने कहीं ऊपर पैसेज में देख के रखा है। तो ये फायदा होता है जब आप लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे पहले से। अभी बताने में मेरा थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस लग रहा होगा, बट वही अगेन मैंने बोला प्रैक्टिस, जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे ना, मान लो कि आपने 10 डिस्क्लूसिव और 10 फैक्चुअल पैसेज भी प्रैक्टिस कर लिए, मैं टोटल 20 पैसेज की बात कर रही हूँ, सिर्फ अगर आपने 20 पैसेज भी प्रैक्टिस कर लिए अपने एग्जाम के पहले, तो यू आर गुड टू गो। मैं फिर इस बात की गारंटी दे सकती हूँ, मुश्किल से मुश्किल आपका 5 से 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट भी मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ, बट फिर भी मैं बता रही हूँ कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपका पूरा पैसेज सॉल्व हो जाएगा। जहाँ पे बच्चों को सिर्फ 10 मिनट पैसेज को दो बार पढ़ने में टाइम लग जाता है ना, यहाँ पे मैं आपको ये गारंटी दे रही हूँ कि आप 10 मिनट के अंदर पूरा पैसेज ही सॉल्व कर लोगे। तो जो आपका कितना टाइम बच रहा है, लैंग्वेज के पोर्शन में ज़्यादा टाइम जाता है, 60 मार्क्स का होता है बच्चों के, अगर उसमें ऐसे लिखना होता है, लेंदी लिखना होता है, दिमाग में नहीं आता है कि क्या क्या लिखना, आइडियाज नहीं डेवलप हो पाते, तो वहाँ पे अपना टाइम बचा सकते हो, ठीक। तो ये सब दिमाग में पहले रखना है कि पहले उसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है कि वो डिस्क्लूसिव है कि फैक्चुअल है, ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर पैसेज को जब आप सॉल्व करते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है, कि ये सबसे पहले दिक्कत आती है ना कि बस पैसेज देख लिया तो पैसेज को पढ़ने बैठ गए, बहुत लंबा पैसेज है, अब इसको हम बैठ के पढ़ लेते हैं, हो गया बात खत्म, फिर उसको पढ़ लें, एक बार पढ़ लें, फिर दोबारा पढ़ लें, फिर क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर भी ढूंढना पड़ रहा है, तो ये आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना ही कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाले को उसमें कुछ नहीं जा रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी आपको बताऊंगी स्टेप टू सॉल्व पैसेजेस। अब अगर मैं आपको स्टेप्स ना लिखवाऊं तो फिर नॉर्मली आप लोग इतना ही जानते होंगे कि पैसेज को पहले पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ो, फिर क्वेश्चन देखो, फिर क्वेश्चन से रिलेटेड दिमाग में आता है कि हाँ इससे कहीं आसपास देखा है, फिर उससे करते क्या हो आप लोग कि जो वर्ड आपको क्वेश्चन में जो वर्ड लिखा है वो आपको अगर पैसेज में मिल गया है तो आपने पढ़ना नहीं है वो, सिर्फ आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है, वो पूरा सेंटेंस जो है, वो एज इट इज़ आप लोग कॉपी कर देते हो। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सामने वाला बैठा एग्जामिनर बेवकूफ तो है नहीं, उसको पता है ना कि इसने अपना दिमाग नहीं लगाया, इसने का पूरा जो है वो क्वेश्चन पेपर से छाप दिया, तो उसमें कोई आपका फायदा नहीं होने वाला। तो सबसे पहला स्टेप, रीड आउट द पैसेज। आपको सबसे पहला क्या काम करना है, बस पैसेज को नॉर्मली पढ़ो, ये सोच के मत पढ़ो कि हमको इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सोच के मत पढ़ो कि मुझे इसको समझना है कि किस बारे में है, क्या है, कुछ नहीं। नॉर्मली जैसे आप लोग स्टोरी रीड करते हो, कहानी की तरह एकदम नॉर्मली उसको पढ़ो, पढ़ते वक्त आपको उसका टॉपिक अपने आप मिल जाएगा। किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हो तो अपने आप समझ में आ जाता है ना कि हाँ ये किसके बारे में है। जैसे कि मान लो मैंने अभी आपको एक स्टोरी सुनाई, मैंने आपको स्टोरी का टाइटल नहीं बताया लेकिन पूरी स्टोरी सुना दी, तो स्टोरी सुनाने के दौरान में जो भी आपको इंसिडेंस होंगे, ठीक, जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे कि हाँ ये एक हॉरर स्टोरी हो सकती है, कि थोड़ी सी कॉमेडी स्टोरी है, कि मतलब इसका जॉनरा क्या निकल के आ सकता है, वो आप लोग को टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने आप लोग को टाइटल नहीं बताया और मैं आप लोग को एक राजा रानी की कहानी बता रही हूँ लेकिन मैंने आपको टाइटल नहीं बताया,
तो आप स्टोरी से समझ जाओगे ना कि हाँ एक राजा रानी के एक बारे में कहानी है, और जो लोग कहाँ एक महल में रहते थे, फिर कैसे कैसे चीज़ें उन लोग के साथ हुई, उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, तो आप समझ जाओगे कि हाँ इसी पर्टिकुलरली टॉपिक के बारे में इसके अराउंड जो है वो स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। तो टॉपिक आपको ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि एक ना एक ऐसा क्वेश्चन ज़रूर रहता है, मतलब आपके पैसेज में जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा जो कि होता है टाइटल फाइंड करने का। उसमें आपको बोलेगा कि एक सूटेबल टाइटल जो है वो आपको इस पैसेज का देना पड़ेगा। तो टाइटल आपको बिना मेहनत किए, बस आपको नॉर्मली अपने दिमाग पे कोई जोर नहीं डाल रहे हो, सिर्फ नॉर्मली उस पैसेज को पढ़ते हुए भी आपको टाइटल अपने आप मिल गया। तो पहला इतना क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें से एक क्वेश्चन तो अपने आप आपके बिना मेहनत के ही सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको दोबारा उस पैसेज को रीड करना। देखो अभी मुझे पता है कि इन सब के दौरान आप लोग को लग रहा होगा कि मैम दो बार तो आप भी रीड करवा रही हैं, जब हम लोग खुद कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा दो बार रीड करवाने का पर्सपेक्टिव अलग है। मैं जब आपको दो बार रीड करवा दूंगी तो आई एम गोना मेक श्योर कि आपको क्वेश्चंस के, जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद आपको पैसेज में ढूंढना नहीं पड़ेगा, फिर आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा, हाईलाइटेड पॉइंट्स रहेंगे। दोबारा जब आप इसको रीड करोगे तब आप इसको समझने के पर्पज से करना, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, जैसे कि मान लो आपको लगता है कि हाँ ये वर्ड हमने जन्म जन्म में कभी नहीं सुना है, इसका क्या ही मतलब हो सकता है, उसको तुरंत हाईलाइट कर लो या फिर इनसर्कल कर लो या फिर अंडरलाइन कर लो, जो भी आप लोग को लगता है उसको हाईलाइट करके रखो, ठीक है। या फिर कोई इंपॉर्टेंट सेंटेंस हो गया, ठीक, अब डिस्क्लोसिव पैसेज के साथ तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सब वोकैबुलरी जो है वो एक अलग तरीके की जो मैंने इसके पहले नहीं सुनी होगी, जो आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब ये मत कर देना कि बहुत लोग के, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं इनको लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग अल्टीमेटली पूरा पैसेज ही उसको अंडरलाइन करके बैठ जाओ, तो ये काम नहीं करना है, थोड़ा सा अपना मैच्योरली दिमाग चलाना है, ठीक। और फैक्चुअल पैसेज में आप लोग को मैंने पहले ही बताया कि जितने भी फैक्ट्स आप लोग को देखेंगे वो आप लोग को तुरंत ही हाईलाइट करके रखने हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएंगे। अच्छा, आपके पास ऑप्शन रहेगा, अभी स्पेसिफिकली बोर्ड्स पे भी डिपेंड करता है कि कौन से बोर्ड से आप बिलोंग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से पूछता है, पहला होता है सब्जेक्टिव, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। या तो आपको एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा और या तो आपको पूरा बकायदा आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है, अपने से। तो जब आप लोग ये दूसरा जब आप लोग दूसरा वाला करोगे ना, दूसरा पॉइंट जब आप लोग फॉलो करोगे, तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारी नई चीज़ें या फिर जितनी भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकती हैं वो सब आप लोग को अपने आप मिल जाएंगे। अब क्योंकि आपने उसको हाईलाइट किया और अंडरलाइन किया है, तो अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको दिखेंगे तो आपको तुरंत वो चीज़ पॉइंट आउट होगी। तो आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि हाँ जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है पहले उन चीज़ों को देख लेते हैं, उसमें होगा तब तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं जो मैंने अंडरलाइन नहीं किया फिर जो मैंने हाईलाइट नहीं किया है उस पर हम लोग वापस से जम करने वाले हैं। तो पहले जितना आप लोगों ने हाईलाइट किया होगा उस पर फोकस करना, ठीक है, जितना भी हाईलाइटेड पार्ट होगा उस पर फोकस करना। और 90% चांस होता है कि जो आपने हाईलाइट किया है फिर जो आपने अंडरलाइन किया, अगर आपने दिमाग से काम किया है तो ये क्लॉज लगता है इसमें, तो 90% चांसेस है कि क्वेश्चंस आप लोगों के अंडरलाइन या फिर जो हाईलाइट आपने किए होंगे उन्हीं में से बनेंगे और उसी में से आपका जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। अब आते हैं हम लोग, ये नॉर्मल में से पैसेज पढ़ने का मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया बताया, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व पे, कि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। देखो क्वेश्चन कौन कौन से तरीके से आते हैं, पहला तो डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो भी पैसेज आपको दिया रहेगा उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो कैबलरी पे नहीं जाएंगे, वो कैबलरी पे टाइटल पे सब क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है अभी, सिर्फ नॉर्मली उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अगर रिलेशन में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो मैं लिखती हूँ, क्योंकि जो करनी होती है वो तो आप लोग को समझ में आता है, जो नहीं करनी तो वो आप लोग को बताना पड़ता है। डू नॉट कॉपी द एग्जैक्ट सेंटेंस, जो पैसेज में सेंटेंस दिया रहेगा एग्जैक्टली उसको कॉपी नहीं करना है, अदरवाइज बेवकूफ़ कहलाएंगे आप लोग और कुछ नहीं, फ्री के नंबर मिलेंगे कोई मतलब का नहीं, वो कट भी जाएंगे इनफैक्ट, ठीक। तो कोशिश करना कि जब आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा ना दो बार, तो अपने आप ही स्टार्टिंग से वो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो कहाँ एंड हो रहा है, एक बार बस हल्का सा रीडिंग दे दो और उसको अपने वर्ड्स में करके लिखो, भले ही तुम दो लाइन का लिखो, ठीक, दो लाइन का लिखो, क्योंकि पैसेज में बहुत लंबे लंबे आंसर चाहिए भी नहीं होते हैं, भले आप दो लाइन का लिखे लेकिन खुद से लिखे, तो वो थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करेगा जो कि इम्पैक्ट डालेगा हमारे एग्जामिनर पे, ठीक, सॉरी जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, वोकैबुलरी का क्वेश्चन होता है। अब वोकैबुलरी का क्वेश्चन कैसे देगा, कि मान लो आपको बोल देगा कि ऐसा कौन सा वर्ड है उस पूरे पैसेज में जो कि इसका सिनोनिम है,
या फिर इसका एंटोनिम है, तो एंटोनिम सिनोनिम के पर्सपेक्टिव में दे सकता है, या फिर बोलेगा कि वन और सिचुएशन की तरह कि ऐसा कौन सा वर्ड है पैसेज में जिसका मतलब ये निकल के आ सकता है। तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरी होती है ये जान लो पहले। एंटोनिम होती है, ठीक है, सिनोनिम होता है, और मीनिंग होती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी वर्ड्स का मतलब आप लोग को लगता है कि नहीं पता है उसको हाईलाइट कर लो, ठीक, और फिर सेंटेंस पढ़ के ये देखो कि हाँ इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि मेरे बताने के पर्सपेक्टिव से चीज़ ये प्रोसेस बहुत लंबा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने, मैंने आपको बोला ना 20 पैसेज, अगर आपने 20 के 20 पैसेज सॉल्व कर लिए, 10 डिस्क्लोसिव और 10 फैक्चुअल, तो ये आपको टाइम टेकिंग लगेगा ही नहीं, अपने आप ही लगेगा यार कितना ईजी है, कितना छोटा सा तो है, ये चुटकियों में हो जाएगा, तो 10 मिनट में एक्चुअली में वो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखना है, ठीक। और तीसरा आपका बनेगा ये टाइटल वाला, ठीक, और समरी, मतलब आप लोग सही बोलेगा कि जो भी पैसेज आपने ऊपर पढ़ा है इसका एक सूटेबल टाइटल या फिर एक समरी प्रोवाइड करिए। तो समरी अगर आपको प्रोवाइड करनी है तो जो आपने हाईलाइट किया रहे किए रहोगे ना, बस उतना ही करना है, जितना भी आपने हाईलाइट किया है बस उसी को उठा के अपने वर्ड्स में लिख डालो। कि अगर मान लो कि 10 लाइन का, अगर मान के चलो कि आपका 10 लाइन का पैसेज है, ठीक, तो आपकी समरी 5 लाइन में आनी चाहिए, इतना दिमाग में रखना है। ये नहीं करना है कि 10 लाइन का पैसेज और समरी 20-25 लाइन तक जा रही, तो अलग से स्टोरी को एक्सटेंड नहीं करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। उसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रही हूँ कि कभी कभी बच्चों को नहीं समझ में आता है कि हाँ ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, कब रुकना है, लिमिट आप लोग को नहीं पता होती ना क्या होती है, किसी भी चीज़ लिमिट समझानी पड़ती है आप लोग को। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है आप लोग को कि जो भी आपने हाईलाइट किया होगा, ठीक, ये मैं इधर लिख देती हूँ, जो भी आपने हाईलाइट किया होगा वही आप लोग को सिर्फ और सिर्फ समरी के लिए यूज़ करना है, ठीक। जो भी आप लोग हाईलाइट कर रहे होगे सिर्फ उतने ही पार्ट को आप अपने वर्ड्स में करके पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हो। और हाँ, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखना है, अगर आपको पॉइंट वाइज लिखना है तो आप लोग पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, ठीक है, बुलेट पॉइंट बना के। तो इसका ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं होता है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको क्या कहते हैं लिखना ही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे समझ में आ रहा है। अब अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में जब सॉल्व करते वक्त दिक्कत होगी ना, तो ये नहीं होना चाहिए कि अरे मैं तो भूल गई मैम ने कैसे पढ़ाया था, तो इसको दोबारा देखोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक। ये तो हो गया, मैंने आप लोगों को बताया कि पैसेज को सॉल्व कैसे करना है, पढ़ना कैसे, उसके बाद क्वेश्चंस पे कैसे जाना है। अब मेरा अगेन बोलना मैम बहुत आसान है, करके दिखाइए तो माने, चलिए ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए सॉल्व भी कर देती हूँ। तो देखो एक प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं अभी। देखो अभी आप लोग तो देख रहे होगे इसको, वीडियो को देख रहे हो, तो पैसेज हम लोग साथ साथ पढ़ के चलेंगे, और जब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे ना तो क्वेश्चन आप लोग होते हैं, देखो सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने आप से लॉयल रहना पड़ेगा। जब आप लोग की जो कोशिश है वो आप लोग मन से नहीं कर रहे हो, सिर्फ दिखावा कर रहे हो, तो फिर मैं आप लोग के सामने कितना भी चिल्ला लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अभी मैं अगर आपसे बोल रही हूँ तो अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो वही कहीं जाके आपके हल्के फुल्के प्रैक्टिस होने वाली है, अदरवाइज कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो जो आपको आंसर लगता है आप लोग अपना मार्क करिएगा, और फिर देखिएगा कि कितना मैच कर रहा है कितना अनमैच कर रहा है, तो वो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो अभी कॉम्प्रिहेंशन के पर्सपेक्टिव। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पैसेज को पढ़ना। मैंने आपको जैसे पहले बताया, नॉर्मली पहली बार हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल रीड आउट करेंगे पैसेज को, कोई बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज। दीज पीपल वॉन्ट स्टूडेंट टू रीड बुक्स एंड डू नथिंग एल्स। But add to their knowledge, others believe that knowledge alone is not enough. Only that which enables a man to earn his living can be called education. Such people think that the bread is more important than anything else. Still others believe that education should aim solely at making good citizens and good patriots. All these people see only one of the several purposes of education. As a matter of fact, education should aim at all these three things together. It should give men knowledge, make them self-reliant and able to serve others. Education should not produce citizens who, while they love their own freedom, take away the freedom of others. It should produce men who love their own country but who do not want to harm other countries. देखो मैंने आप लोग के साथ ही बहुत ही आराम से बस इसको पढ़ा है,
और ऑनेस्टली मैं पढ़ते वक्त ये नहीं सोच रही हूँ कि किसके बारे में होगा, इसको समझना है मुझे, मैंने सिर्फ एक नॉर्मल से रीड आउट दिया। अब जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि समवेयर इट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है, नॉलेज। अब हम लोग को पैसेज से समझ में आ गया कि ये कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड है ये पैसेज, और नॉलेज जो मिलती है इंसान को उससे रिलेटेड है। और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि नॉलेज कैसे कैसे लोगों को इम्पैक्ट करती है, कि कैसे कैसे इंसानों का परसेप्शन है कि मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, आपके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, यहाँ पे इसके बारे में बात की गई है, अलग अलग लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन को लेके। तो अभी मैंने बहुत ही ओवरव्यू तरीके से अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये दोनों कीवर्ड्स मिले हैं, एक तो हम यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं और एक हम लोग बात कर रहे हैं नॉलेज के बारे में। अब कमिंग टू दीज पॉइंट्स, एजुकेशन और नॉलेज, बोला जाता है कि ऐसे आप एजुकेशन से नॉलेज आती है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। नॉलेज एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, एजुकेशन एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान आपको कहीं से भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी बुक से ही ज्ञान मिल रहा है। आप लोग कभी नहीं देखते होंगे कि अपने बड़ों के साथ आप लोग बैठे हो, पापा के साथ बैठे हो, मम्मी के साथ बैठे हो, फिर किसी बड़े इंसान के साथ बैठे हो तो भी आपको नॉलेज मिल रही है। आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, आप लोग सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हो, वहाँ से भी आपको नॉलेज मिल रही है। एजुकेशन डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाता है, एजुकेशन मतलब होता है पढ़ा लिखा होना, लिटरेट, यहाँ पर लिटरेसी से मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पर लिटरेसी का कॉन्सेप्ट चलता है। लेकिन नॉलेज में लिटरेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉलेज ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 12th पास आउट किया है या फिर आप ग्रेजुएट हो या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तभी आप लोग के पास नॉलेज रहेगी। बहुत लोग होते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, जो इंटर पास होते हैं, जो जिन्होंने ज़्यादा लेवल की पढ़ाई नहीं की होती है बट फिर भी उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है। तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि जो हमने टाइटल निकाला उन दोनों का मतलब हम लोग को समझ में आना चाहिए, उन दोनों का मतलब पता होना चाहिए, तो मैंने आपको उन दोनों का मतलब भी बता दिया, ठीक। अब चलते हैं हम लोग अपने स्टेप नंबर 2 पे, जिसमें मैंने क्या बोला था कि हम लोग जब दोबारा रीड आउट करेंगे तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगने वाली है हमको, जो भी चीज़ों का वर्ड का मतलब मुझे नहीं पता होगा वो मैं अभी अंडरलाइन कर दूंगी। अच्छा, एज अ टीचर मुझे तो पता ही है कि इसमें जो, क्योंकि मैंने ही पैसेज बनाया तो मुझे तो ऑब्वियसली पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे अभी एज अ स्टूडेंट आप ही लोग की तरह इस पैसेज को पढ़ने वाली हूँ, और ऑनेस्टली अगर मुझे नहीं पता होगा किसी भी पर्टिकुलरली किसी वर्ड का मतलब, तो जो थोड़ा सा टिपिकल लगेगा मुझे आप लोग के लेवल के अकॉर्डिंग, वो मैं उसको अंडरलाइन करते हुए चलने वाली हूँ, ठीक। चलो, सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेरली टू गिव नॉलेज। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो नॉलेज का एम मतलब क्या होता है, फोकस, कि उनका जो मेन फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बेटा टेंस क्या होता है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ किस लिए, ताकि आप लोग को पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए टेंस का, आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि बेटा ऐसे क्या होता है, नॉलेज होना चाहिए कि बेटा फिजिक्स में आप लोग अलग अलग चैप्टर पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, इन सब का नॉलेज देना, एक तो ये हो गया एम एजुकेशन का। दीज पीपल, ये देखो अंडरलाइन भी है, इस पर ध्यान देना है, जो ऑलरेडी अंडरलाइन है मतलब आपका क्वेश्चन से कहीं रिलेटेड है। दीज पीपल वॉन्ट स्टूडेंट टू रीड बुक्स एंड डू नथिंग एल्स। अब ये कैटेगरी के लोग क्या होते हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात की जा रही है। पहले कैटेगरी जो ऐसे लोग होते हैं इनको लगता है कि सिर्फ बुक से पढ़ के ही आपको नॉलेज मिल सकती है। बेटा बुक पढ़ते रहो, एजुकेशन लेते रहो, नॉलेज मिलती जाएगी अपने आप। बट ऐड टू देयर नॉलेज, अदर्स बिलीव दैट नॉलेज अलोन इज नॉट इनफ, ओनली दैट विच इनेबल्स अ मैन टू अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन। अब यहाँ पे क्या है, दूसरे कैटेगरी की बात हुई है, कि सेकेंड कैटेगरी के लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ एजुकेशन का मतलब नॉलेज लेना ही नहीं होता है, एजुकेशन मतलब पढ़ा लिखा आपको तभी बनना पड़ेगा जब आप अपनी सर्वाइवल गेन कर सकते हो, जब आप अपना खुद का पालन पोषण कर सको, उसको हम लोग कहते हैं एजुकेशन। जब एक इंसान अपनी ही लिविंग को अर्न कर सके, अपना ही सर्वाइवल गेन्स कर सके। मान लो कि अभी आपके पेरेंट्स आप लोग को पढ़ा लिखा रहे हैं, पढ़ा लिखा इतना दिया, लेकिन क्या सिर्फ नॉलेज लेने के लिए पढ़ाया है क्या? इंसान क्यों पढ़ता है कि हम पढ़ेंगे फिर क्या कहते हैं कोई एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, जॉब करेंगे, पैसा कमाने के लिए। अभी आप इतना पढ़ रहे हो किस लिए पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको इवेंचुअली एक टाइम आएगा फ्यूचर में जब आपको चाहिए होगा कि हाँ मेरी जॉब लग जाए और मैं पैसा कमाऊँ। जब आप पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो फिर आप पैसे कैसे कमा सकते हो, ठीक। सच पीपल थिंक दैट द ब्रेड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, ठीक है। अब वो जो सेकेंड कैटेगरी के लोग हैं उनको क्या लगता है कि ब्रेड जो है वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब भूख। अगर आपकी भूख ही नहीं सेटिस्फाई हो पा रही है, भूखे हो तो कोई काम होगा? कोई काम नहीं हो सकता है। तो ये वाला पर्सपेक्टिव भी सही है भाई। अब देखो सही, यहाँ पे कोई कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नहीं चल रहे हैं कि तुम जो बोल रहे हो वो गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को लेके अलग अलग पर्सपेक्टिव डिवाइड हुए हैं, ठीक। मैंने आपको बोला कि बेटा जैसे मैं आप लोग को ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन
क्लासेस के भी अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, कुछ लोगों के लिए ये किसी और एम का काम करता है, कुछ लोगों के लिए इनका एम कुछ और होता है, तो ये सब अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, ये इसमें कंट्राडिक्टरी चीज़ें अभी तक नहीं आई हैं। स्टिल अदर्स बिलीव दैट एजुकेशन शुड एम सोलली, ठीक है, अब मुझको लग रहा है कि मुझे सोलली का मतलब नहीं पता है, ठीक, सोलली एट मेकिंग गुड सिटीजन्स एंड गुड पैट्रियट्स। अब ये भी एक थोड़ा सा नया वर्ड लग रहा है मुझे, पैट्रियट्स मैंने इसके पहले एक आधी बार सुना है तो मुझे स्पेसिफिकली इसका मतलब नहीं पता है, ठीक। अब कुछ लोग का मानना है कि एजुकेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही एम होना चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान बने और एक अच्छे देशभक्त बने। तो पहला हमने क्या किया, पहला एम क्या था, नॉलेज। अब देखो इसको आप कैसे क्रक्स बना के लिख सकते हो, ठीक, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। इसको आप कैसे क्रक्स बना के लिखोगे, पहला आपको क्या मिला, कैटेगरी वाइज मैं बता रही हूँ कि पहले वाले के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, डायरेक्टली नॉलेज है, ठीक, पहले वाले के अकॉर्डिंग एजुकेशन का एम नॉलेज है, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग सर्वाइवल, कि भैया खाना खाएंगे जब भूख ही नहीं मिटेगी, तो क्या मतलब ऐसी एजुकेशन का जहाँ से हम कमा के खाना ही ना खा सकें, ठीक। और तीसरे वाले का क्या है, गुड सिटीजन, ठीक है, गुड सिटीजन एंड पैट्रियट। अब ये तीन कैटेगरी के लोग हैं जिनका मानना है कि एजुकेशन का जो पर्पस है, जो एम है, वो ये होना चाहिए, ठीक। चलो, ऑल दीज पीपल सी ओनली वन ऑफ द सेवरल पर्पसेस ऑफ एजुकेशन। अब ये सारे लोग क्या करते हैं कि एजुकेशन के इतने सारे पर्पसेस हैं, बहुत सारे पर्पस हैं, बहुत सारे एम हैं, लेकिन ये लोग किसी एक पर्पस पे फोकस कर दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो, अभी आप लोग के पढ़ने के बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ के बिजनेस कर सकते हो, आप लोग पढ़ के जॉब कर सकते हो, आप लोग पढ़ के खुद ही कोई दूसरा काम कर सकते हो जो कि आप लोग को पसंद है, आप लोग अपना पैशन फॉलो कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, कि हाँ अगर ये स्ट्रीम चूज करेंगे तो बस यही हो पाएगा, यहाँ जाएंगे तो बस यही हो पाएगा, ठीक है, ये वाला पर्सपेक्टिव जो होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एजुकेशन शुड एम एट ऑल दीज थ्री थिंग्स ऑल टुगेदर, इट शुड गिव मेन नॉलेज, ठीक। अब बात यहाँ पे ये है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव पे फोकस तो करो, लेकिन करना क्या चाहिए कि तीनों चीज़ों को हम लोग को एक साथ करना चाहिए। एजुकेशन का पर्पस क्या होना चाहिए, मेन को नॉलेज देना चाहिए, ठीक है, मेक देम सेल्फ रिलायंट एंड एबल टू सर्व अदर्स। ये तीनों जो क्वालिटीज़ हैं वो एक इंसान में एजुकेशन के थ्रू आनी चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं परफेक्शनिस्ट, यहाँ पे आप एक पर्पस रख सकते हैं कि जब आप लोग पढ़ रहे हो, मतलब बोलते हैं ना कि इतना पढ़ा लिखा है लेकिन संस्कार नहीं है, क्या मतलब हो गया, तो यहाँ पे एक अच्छा सिटीजन आपको बनना है, एक अच्छा ह्यूमन बींग, अच्छा इंडिविजुअल आप लोग को बनना है, ठीक है। पढ़ लिख के आपको ये मेक श्योर करना है कि आप लोग अपना ही सर्वाइवल गेन कर सके, इतना क्या मतलब है, इतना पैसा खर्चा करके पढ़ा लिखा रहे तुम्हारे मम्मी पापा और फिर आगे चल के तुम खुद ही कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तो फिर तो सब कुछ वेस्ट हो गया इतना तुम लोग को पढ़ाना, ठीक है, ये भी होना चाहिए। और प्लस जब आप लोग इतना पढ़ लिख रहे हो तो फिर वो चीज़ आप लोग दिमाग में रहनी भी चाहिए, ये नहीं कि अभी आज पढ़ रहे हो फिर अगर इसका कोई काम नहीं आ रहा है तो हटाओ इसको जाने दो, आप लोग को उससे जो ज्ञान आप लोग को मिल रहा है वो आप लोग को अपने ही अंदर रखना पड़ेगा। तो एजुकेशन का तीनों पर्सपेक्टिव है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन हु व्हाइल दे लव देयर ओन फ्रीडम टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स। अब एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि मैं अगर मुझे अपनी आज़ादी पसंद है तो उसके चक्कर में मैं दूसरे की ही आज़ादी छीन लूँ। देखो आपने सुना होगा ना कि जब आपको किसी से आगे बढ़ना है तो दो रास्ते होते हैं कि या तो आप अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग अपनी ताकत के अपने दम पे आप आगे बढ़ें और या तो आप अपने आगे वाले का पैर खींच के आगे बढ़ें, तो दो तरीके होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो तरीका है ना उसके बारे में बात की जा रही है। इट शुड प्रोड्यूस मैन हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वॉन्ट टू हार्म अदर कंट्रीज। एजुकेशन से हम लोग को ऐसे इंसान, ऐसे इंडिविजुअल्स बनाने चाहिए जो कि अपनी कंट्री से भी प्यार करें प्लस दूसरी कंट्री को भी हार्म ना होने दें। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा पर्सपेक्टिव मेरे दिमाग में आया है, एक एग्जांपल देती हूँ। देखो अभी आजकल बहुत ज़्यादा सोसाइटी में रिलीजन को लेके चल रहा है, ठीक है, रिलीजन का। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो ये कहते हैं कि भाई हिंदू ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, एक वो होते हैं। और दूसरे आप लोग देखो कैटेगरी वो होते हैं, चलो ठीक है हम हिंदू भले ही हैं बट मुझे मुस्लिम से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मेरे लिए हिंदू भी इंसान है मुस्लिम भी इंसान है। तो ये जो दो कैटेगरी है ना वो यहाँ पे दो कैटेगरी के बारे में बात की गई है, बस यहाँ पे हमारा जो पैसेज है वो खत्म हो गया है। तो अब मुझे मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी मैंने उसको हाईलाइट कर ली, ठीक। अब जब क्योंकि मैंने उसको दो बार पढ़ लिया तो मुझे समझ में आ गया ना कि यहाँ पे एजुकेशन के तीन पर्पस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, और प्लस तीन पर्पस कौन कौन से, उन तीन पर्पस के बारे में बात की गई है। उसके बाद ये बताया गया है
इन तीनों को अलग अलग ना करके एक ही तरीके से हम लोग को देखना चाहिए कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को एजुकेशन मिल रही है तो तीनों क्वालिटी जो है वो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट ऐड ये हुआ है कि उसको अपनी कंट्री के साथ साथ, ठीक है, अपनी कंट्री के साथ साथ दूसरे की कंट्री को भी अच्छे से मानना चाहिए। मतलब उसको ये नहीं करना चाहिए कि मेरी कंट्री, मैं सच्चा देशभक्त हूँ तो मैं सारी दुनिया ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, इंडिया के खिलाफ कोई खड़ा ही ना, इसलिए मैं सारे देश को तबाह कर दूंगा, बाकी जितने भी देश हैं, तो ये बेवकूफ़ी हो जाएगी, ठीक है। ये वाला पर्सपेक्टिव नहीं लेना, एक समझदार इंसान, एक एजुकेटेड इंसान ऐसे नहीं करेगा। तभी आपने देखा होगा कि देखो दो कैटेगरी के लोग होते हैं, जो इंसान पढ़ा लिखा होता है ना वो लड़ता नहीं है जल्दी, वो ज़्यादा बकवास बातें नहीं करेगा, वो बहुत ज़्यादा बोलेगा नहीं, वो शालीनता से पहले चीज़ों को सुनेगा, एनालाइज करेगा, नोटिस करेगा, तब वो कुछ बोलेगा। इसलिए मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, कभी भी किसी इंसान को पहचानने का तरीका, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा बोल रहा है ना, फर्जी का बकवास कर रहा है, हर चीज़ में उसको टिप्पणी देनी है, समझ जाओ दैट ही इज़ अ डम्बेस्ट पर्सन, ठीक है, वो बहुत ही बेवकूफ़ है। लेकिन जो इंसान शांत रह के, वो शांत रह रहा, ज़्यादा बोल नहीं रहा, मतलब बातचीत कर रहा है, हम यहाँ पे शांत का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बोल ही नहीं रहा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन जो सिचुएशंस हो रही, जो कॉन्वर्सेशन हो रही है उसमें अपनी कमेंट्री बार बार नहीं दे रहा है, बस चीज़ों को सुन रहा है, एनालाइज कर रहा है, बोल कम रहा है, सुन ज़्यादा रहा है, तो समझ जाओ वो इंसान ज़्यादा समझदार है, ठीक है। तो ये एक मैं आप लोग को बता रही हूँ समझाने के लिए कि कैसे आप लोगों को पहचान सकते हैं, क्योंकि अभी जिस स्टेज पे आप खड़े हैं वहाँ पे सबसे लो लेवल पे, लो यहीं पे आप स्टैंड कर रहे हो कि आपको ये नहीं पता कि कोई इंसान होता कैसा है। आपको लगेगा कोई इंसान बहुत अच्छा होता है, फिर एक इंसान लगेगा कि ये तो बहुत ही बुरा है। तो ये वाला काम नहीं करना है कि एक में एकदम नेगेटिव एस्पेक्ट देख रहे हो, एक में एकदम पॉजिटिव एस्पेक्ट देख रहे हो, तो सबको बैलेंस करके आप लोग को चलना पड़ेगा, ठीक। तो ये तो अभी हम लोगों ने मैसेज पढ़ लिया। अब मैंने देखो आप लोगों के सामने ही कुछ कुछ चीज़ें अंडरलाइन की हैं और हाईलाइट करके रखी हैं, ठीक। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन पे। अब इसमें सबसे पहला देखो, इसमें एमसीक्यू के फॉर्म में मैंने नहीं दिया है क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे नहीं हुआ। अगर मैं 9th to 12th की बात करूँ तो अब टाइम आ गया है कि आप लोग सब्जेक्टिव चीज़ों को सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि व्हाट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन। अब मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि एजुकेशन का एम क्या होता है पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक, पहली लाइन में ही आपको दिख रहा है, द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज, ठीक। अब ये आपको एजुकेशन, मैं इसको चेंज कर देती हूँ, अब ये आपको दिख रहा है कि स्टेटमेंट में लिखा है द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज, बट क्या यही एम है? नहीं, ये कुछ लोगों का ऐसा मानना है, तो ये आप लोगों को अपने आंसर में बताना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू सम पीपल द एम ऑफ द एजुकेशन इज टू मेयरली टू गिव नॉलेज, ठीक, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा, एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है। व्हाट डू सम पीपल थिंक, अब कुछ लोग क्या सोचते हैं, तो यहाँ पे आपको तीनों के पर्सपेक्टिव से बताने, क्योंकि स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है कि किसके नॉलेज के पर्सपेक्टिव में देखना है, कि सर्वाइवल के पर्सपेक्टिव में देखना है, कि गुड सिटीजन के पर्सपेक्टिव में देखना है, तो आप लोग कैसे लिख सकते हो? क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट डू सम पीपल थिंक, तो यहाँ पे क्या है कि सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज टू गिव नॉलेज, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू अदर पीपल द एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रोवाइड अ, इज टू मेंटेन अ सर्वाइवल, ठीक है, और फिर तीसरा क्या है कि एक अच्छे सिटीजन, एक गुड सिटीजन और पैट्रियट बनना आपको एक मेन एम जो है एजुकेशन का वो देता है, ठीक। सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसको अपने वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा, छोटी से छोटी, जितना आप लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट वे में रखोगे उतना परफेक्ट रहेगा। एक्सप्लेन दी अंडरलाइंड वर्ड्स, अब इस पैसेज में जो चीज़ें ऑलरेडी अंडरलाइंड हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी अंडरलाइन क्या है, मेयरली टू गिव नॉलेज, इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के सेक के पर्पज से ही बात करना, मतलब यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली एजुकेशन का जो एम है वो आपको पूरा से डिस्क्राइब नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलना है कि मेयरली टू गिव नॉलेज का मतलब क्या है। मेयरली टू गिव नॉलेज का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि जब आप सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि मैं नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक, इतना सा मतलब है। देखो आंसर छोटा सा है, बट वही ना कि थोड़ा सा आप लोग इतना प्रैक्टिस वे में नहीं रहते, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा एग्जैजरेट चीज़ें लगती हैं। अब चौथा क्या है, समरी ऑफ द पैसेज टुगेदर विद इट्स एप्रोप्रिएट हेडिंग, अभी इसको छोड़ देते हैं, ये लंबा वाला आंसर है, अभी छोटे छोटे आंसर पे फोकस करते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीनिंग सिमिलर टू नेशनलिस्ट, अब इस पूरे पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब नेशनलिस्ट होता है, ठीक। नेशनलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो इंसान देशभक्त होता है, मतलब होता है ना कि जो अपने देश के लिए, अपने देश के हित में सोचता है, उसे हम लोग नेशनलिस्ट कहते हैं। और अभी मैंने आपको तीसरे पर्सपेक्टिव में बताया था ना कि थर्ड पर्सपेक्टिव में हम लोग का कहीं ना कहीं ये था
कि एक गुड सिटीजन और गुड पैट्रियॉट बनना। तो पैट्रियॉट का मतलब भी मैंने देखो यहाँ पे हाईलाइट किया, देखा एक अलग सा मुझे वर्ड दिखा, मैंने इसको हाईलाइट किया और इसी हाईलाइट में से क्वेश्चन बन गया हमारा। यही मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि ये जब आप लोग प्रैक्टिस में जाओगे ना, तो अभी देखो ये नॉर्मली वर्ड्स आपने एक दो बार ही सुना होगा, लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे इनको इसका स्पेसिफिक मतलब पता होगा, तो उनके लिए वर्ड नया ही साउंड करेगा। तो इसलिए मैंने उसको हाईलाइट कर लिया कि थोड़ी सी इन्हांसिंग वोकैबुलरी है, ठीक है। तो इस फिफ्थ वाले का आंसर क्या हो जाएगा, पैट्रियॉट। ठीक, पैट्रियॉट का मतलब भी क्या होता है, जो देशभक्त होता है, और नेशनलिस्ट का मतलब भी होता है देशभक्त। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर फोर पे, समरी ऑफ द पैसेज टुगेदर विद इट्स एप्रोप्रिएट हेडिंग। तो हेडिंग तो मैंने आप लोग को बता दिया कि पूरे पैसेज में एक ही चीज़ के बारे में बात हुई है, एम ऑफ एजुकेशन। ठीक, तो यहाँ पे आपको मिल गई ना हेडिंग, जब आपने पूरा पैसेज पढ़ा है ना ढंग से, तो आपको अपने आप ही टाइटल भी मिल जाएगा। यहाँ पे टाइटल क्या निकल के आएगा, एम ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, सर्वाइवल के लिए, कि एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए। ठीक, तो मैंने आपको टाइटल दे दिया है, अच्छा टाइटल है ये। ठीक, ये टाइटल आपको मिल गया है। अब समरी आप कैसे करोगे, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग जो तीन पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताए, जो मैंने आपको चार पॉइंट्स लिखवाए थे ना, बस उन्हीं चार पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करके अपने वर्ड्स में लिख देना है। कि कुछ लोगों के अकॉर्डिंग जो एम ऑफ एजुकेशन है वो सिर्फ नॉलेज देना है, कुछ लोग के अकॉर्डिंग एक अच्छा सिटीजन बनना है, और कुछ लोग के अकॉर्डिंग सेल्फ रिलायंट बनना है। बट हम लोगों को ये तो अलग अलग पर्सपेक्टिव इन लोगों ने डिफ्रेंशिएट किए हैं, बट एक्चुअली में एक इंसान को कैसा होना चाहिए, कि अगर एक कोई एक एजुकेटेड इंसान है तो उसके अंदर नॉलेज भी होनी चाहिए, सेल्फ रिलायंस भी होना चाहिए, और प्लस वो एक अच्छा सिटीजन भी होना चाहिए। ठीक, ये सिर्फ इतना सही आपका समरी निकल के आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि समरी में, जैसे अगर मैं आपको काउंट करके बताती हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 लाइन्स के मेरा पैसेज है, तो आपका मुश्किल से 3-4 लाइन में आपका समरी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यही मैं आपको बता रही थी। तो मैंने आपके साथ ही पूरा पैसेज जो है उसको सॉल्व किया है, तो आई होप आपको अभी पूरा क्लियर हो गया होगा कि पैसेज कैसे सॉल्व करना है। आपको प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे आपको PDF एक अटैच मिल जाएगा वर्कशीट के लिए, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मैं आप लोग को होमवर्क दिए बिना कभी नहीं जा सकती हूँ। मैं सब काम कर सकती हूँ, मैं सारा काम छोड़ सकती हूँ, मैं भूल सकती हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको 5 पैसेज, अब क्योंकि मैं तो ये देख नहीं पाऊंगी, अब बिकॉज ये कमेंट सेक्शन में भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि आप पूरा का पूरा पैसेज लिख के सॉल्व करो, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट हाँ, यहाँ पे आपको अपने आप से लॉयल रहना पड़ेगा, कि आपको एक ऑथेंटिक कोशिश करनी पड़ेगी अपने लिए, कि आपको 5 पैसेज मान लो कि नवंबर के आखिरी तक, ठीक है, आपको 5-10 पैसेज हैं, आपको 10 कर देती हूँ। बड़े बच्चे हो गए ना तुम लोग, कहाँ 5 पैसेज पे टिके रहो। 5-10 पैसेज आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये मैं आप लोग को होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ। अब जितने लोग नहीं भी किए रहोगे तो मुझे पता नहीं चलने वाला है, बट अगेन इससे मेरा कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। मुझे नहीं बैठना है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप लोग को बैठना है, मेरा हो लिया है। मुझे नहीं पूछा जा रहा है कि भैया आप 12th के एग्जाम में बैठना है कि नहीं बैठना, मैं आप पढ़ा रही हूँ तो मुझे तो ऑलरेडी सब कुछ आता होगा। तो नुकसान यहाँ पे आपके, इनफैक्ट आपके क्लासमेट का भी नहीं होने वाला है, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनका भी नहीं होने वाला है। ठीक, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ही का नुकसान होगा। तो अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी पर रिस्क लीजिएगा। तो प्रैक्टिस आप लोग को करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वैसे ही अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये तो मैंने अभी आपको दिया है 10 पैसेज नवंबर के आखिरी तक। उसके अलावा भी आप पैसेज के तौर पे, देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं, अब क्योंकि एग्जाम आ रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एक एक पैसेज रोज सॉल्व करो, सिंपल है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे दिसंबर तक आते आते, तो ये सारी चीज़ें आप लोग की और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो फिर पूरे के पूरे पेपर की प्रैक्टिस होगी, जितने भी लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स हैं वो सब जब सॉल्व करवाऊंगी मैं, मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगी, तो अपने आप सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो आई होप आपको ये जो पूरा सेशन है वो समझ में आएगा, कॉम्प्रिहेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और अगर आएगी तो ये वीडियो पैक करके होती है, थोड़ा सा अपने हाथों को चला के देखो, सही जगह इस्तेमाल करो, सही हो जाएगा, सब पॉसिबल है। इसको वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, उसके बाद आप चाहें तो अपनी बुक भी आप लोग के पास हो गया, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे मैं आप लोग को वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगी, आपके पास एग्जाम कुछ अनसॉल्व रहेंगे पैसेज जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ आपको और करना है, तो फिर आपको और करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।